डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस, जिसमें मैंने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है वो है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा कि इंट्रोडक्शन में इसके लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interaction of electromagnetic radiation with matter। मतलब अब ये मैटर के साथ, और मैटर से यहाँ पर क्या मतलब है, मैटर से मतलब है, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात कर रहे हैं तो हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैटर से मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन जो होता है, बस उसी में, उस इंटरेक्शन के बारे में ही हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे हमारी सनलाइट है, सूरज की जो लाइट होती है, वो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इसको डिटेल में तो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कोई एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एनर्जी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन शो करती है, बस उसी इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये इंटरेक्शन से क्या मतलब है, किस टाइप का इंटरेक्शन है। जैसे सपोज हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सपोज कोई अननोन कंपाउंड है। अननोन कंपाउंड से मतलब जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जैसे हमें नहीं पता कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हमें उस अननोन कंपाउंड के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हमें ये पता लगाना हो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, या उन एलिमेंट्स के बीच में कितने टाइप्स की बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है, या मतलब समझ लीजिए कि उस अननोन कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। हमें उस अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें पता करना है तो फिर हम हेल्प लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में बस वही है कि इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उस अननोन कंपाउंड के साथ, ठीक है। और उस इंटरेक्शन से मिलता क्या है, द स्टडी ऑफ दिस इंटरेक्शन प्रोवाइड्स एन अनलिमिटेड स्कोप टू नो व्हाट एक्चुअली द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर। मतलब हमें उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो उस अननोन कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वर्सेटाइल टूल इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैम्पल्स। अब यहाँ सैम्पल से क्या मतलब है, सैम्पल से मतलब इसी अननोन कंपाउंड से। जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है हम वहाँ पर ये वर्ड कई बार यूज़ करेंगे कि सैम्पल है। सैम्पल से मतलब वो अननोन कंपाउंड जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो उस कितनी भी, मतलब हम बहुत सारे अननोन कंपाउंड्स जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनकी अगर केमिकल एनालिसिस करनी है तो वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये इंटरेक्शन से क्या मतलब हुआ। तो इंटरेक्शन से मतलब होता है, सपोज़ हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड लिया, तो सैंपल ले लिया सपोज़ हमने। सैंपल के लिए हम सैंपल सेल होती है, वहाँ जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर हमें स्टडी करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। वो सब हम अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि सैंपल है हमारे पास, ठीक है। अब इस सैंपल से हमने एक लाइट को पास किया। लाइट कौन सी, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में EMR बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइट डाली इस पर। जो हम लाइट डालते हैं स्टार्टिंग में, जो लाइट डाल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट। ये लाइट जब इस अननोन कंपाउंड पर पड़ेगी या सैंपल पर पड़ेगी तो देखिए क्या क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं। एक इंटरेक्शन तो ये होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपाउंड इस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो एक फिनोमिनन हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसने क्या करा, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। हो सकता है इस लाइट के कुछ पार्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारी लाइट से मिलकर बना है, बहुत सारे रेडिएशन से मिलकर बना है, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की, अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग एनर्जीज़ की लाइट्स होती हैं, उन लाइट से मिलकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना है। तो कुछ लाइट के कुछ पार्ट को ये इस सैम्पल ने एब्जॉर्ब किया और बाकी सबको इसने जो है ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, यानी कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करके बाकी सारे पार्ट को यहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसमिटेंस। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, तो एक तो इसने एब्जॉर्ब किया और बाकी लाइट को ट्रांसमिट कर दिया। या तो ये कर सकता है, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि ये क्या करे, जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की उसे एमिट कर दे। ठीक है, एमिशन क्या होता है, उत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं, तो उस लाइट को ये एमिट कर दे। अब एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, देखिए मॉलिक्यूल जो भी, हाँ पार्टिकल, सैंपल में कुछ पार्टिकल्स होंगे, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कुछ हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, सपोज हमारे पास, मैं मान ले रही हूँ कि दो एनर्जी लेवल हैं, ये नीचे वाले को हम E1 ग्राउंड लेवल है और ऊपर वाला E2। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है सपोज, जैसे ही ये लाइट इस सैंपल पर पड़ती है, क्या कर, इसके जो पार्टिकल्स होंगे इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, यानी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो ऊपर पहुंच जाएंगी। तो ऊपर जब पहुंच जाएंगी तो इस फिनोमिनन को हम, जो ट्रांजिशन हुआ E1 से E2 की तरफ, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो इस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब किया और हायर एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ये सपोज नीचे वाली हमारी ग्राउंड स्टेट है, तो ऊपर वाली को कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जिसमें जो मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है, जिसमें वो रहते ही हैं। ठीक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया ये। और ये भी हो सकता है कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दें, यानी निकाल दें, और वापस से नीचे पहुँच जाएँ। तो जब ये वापस नीचे पहुँचेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि लाइट इस पर पड़े और इस लाइट की ये स्कैटरिंग कर दे। स्कैटरिंग जिसको हम हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा। स्कैटरिंग वर्ड फिजिक्स में आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हुआ होगा। स्कैटरिंग को भी हम बहुत डिटेल में आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो ये तीन फिनोमिनन यहाँ पर हो सकते हैं। लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, बाकी का पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है। जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसको एमिट भी कर सकते हैं, या जो लाइट पड़ी है उसको एब्जॉर्ब ना करे, ना उसको एमिट करे, उसकी स्कैटरिंग कर दे। ठीक, तो इससे होगा क्या, तो एब्जॉर्प्शन से हमें डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अलग अलग टाइप की होती है, ये डिपेंड करता है कि इसने किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ये जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट से मिलकर बना है। तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इसने एब्जॉर्ब की है, बस उस पर डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट ब्रांचेस। तो एब्जॉर्प्शन अगर इसने किया है तो एब्जॉर्प्शन से हमें मिलती है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, या हम इसमें ये देख सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। या हमें मिल सकती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन से। और भी मिलती हैं, बाकी एमिशन से कौन सी मिलेगी, अगर एमिशन किया है पार्टिकल ने या सैंपल ने, तो एमिशन से हमें फ्लोरिसेंस या फॉस्फोरिसेंस फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। अगर करी है उसने स्कैटरिंग, तो हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि जो डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो कोई भी प्रोसेस इसमें से हो सकता है, या तो एब्जॉर्ब कर सकता है, या एमिट कर सकता है, या स्कैटरिंग कर सकता है। इसी बेसिस पर हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि सैंपल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसमें कुछ चेंजेस हो गए। चेंजेस मतलब या एब्जॉर्प्शन हो गया, एमिशन हो गया, स्कैटरिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो वो जो कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए, यानी जिसको हमने अभी देखा, उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो ये रिकॉर्डेड फॉर्म होती है इन चेंजेस की, इसी के लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं स्पेक्ट्रम। और इसी स्पेक्ट्रम की स्टडी को एक्चुअली हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ। और इंटरेक्शन मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस लाइट को एमिट कर सकता है, उस लाइट को स्कैटर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसी बेसिस पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है। यानी हम कह सकते हैं लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आते हैं इस सैंपल में या अननोन कंपाउंड में, कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस रिकॉर्डेड फॉर्म को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस इसी स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिटरमिन कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें उस कंपाउंड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ठीक, तो ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मतलब है, कि लाइट जो मैटर पर पड़ी वो एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी की फॉर्म है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हमारी सनलाइट, जैसे कि विजिबल लाइट, जैसे कि एक्सरेज, जैसे माइक्रोवेव्स, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे, रेडियो वेव्स, ये सब जो हैं ये सब गामा रेज होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ही टाइप्स हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये EMR मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है मैंने, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पजेस द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव डुअल नेचर। डुअल मीन्स दोहरा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव की तरह भी मूव कर सकती हैं, और मतलब वेव की तरह भी रह सकते हैं ये और पार्टिकल की तरह भी रह सकते हैं। तो जब हम इनको बोल रहे हैं कि इनका पार्टिकल नेचर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। यानी जो हमारी लाइट है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कणों से मिलकर बनी है, जिनको हम फोटॉन्स बोल रहे हैं, और ये फोटॉन्स जो हैं मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये फोटॉन्स जो हैं वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं। और अगर हम इन फोटॉन की एनर्जी की बात करें तो E=hν, ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हुई होगी। तो फोटॉन की एनर्जी होती है E=hν, h जहाँ पर प्लैंक कॉन्स्टेंट है और न्यू तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्या है, सेकेंड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ विजिबल लाइट। जो इनकी वेलोसिटी होती है वो विजिबल लाइट की जैसी होती है, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आप लोगों को पता ही हो गया कि c की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और c की वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸। तो यही वेलोसिटी इन EMR की भी होती है। अब अगर हम इनका वेव नेचर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स associated with the at right angles to one another as shown in figure। यानी कि ये जो हमने यहाँ नीचे दिखाया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये लिखा है ना कि विद द एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज जैसे मैंने डायरेक्शन भी लिख दिया कि ये हमारी x डायरेक्शन है, तो अगर x डायरेक्शन में लिखा है प्रोपोगेशन डायरेक्शन, मतलब कि अगर हमारी वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जो ये पिंक लाइन से दिखाया हुआ है, ये जो पिंक है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में होगा, XZ प्लेन में, ठीक है ना। ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो XZ प्लेन में जो मूवमेंट है वेव्स का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्चुअल में एक वेव की फॉर्म में ही है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे शो किया हुआ है, उसको शो किया हुआ है एक्स और वाई प्लेन में। ये ब्लू कलर से जो शो कर रखा है, ये ब्लू वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो XY प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, XZ प्लेन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेव जो मूव कर रही है वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी जो प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ रही है जो वेव, तो वेव के बढ़ने की जो मतलब मूवमेंट है, वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव का मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये बात आप आई थिंक समझ रहे होंगे इस डायग्राम को देखकर कि XZ प्लेन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो XY प्लेन में हमारा जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसी फॉर्म में ये वेव जो है आगे मूव करती है, ठीक। देख लेते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करने में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। इन्हीं टर्म्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वेव लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ भी होगा फिजिक्स में। वेव लेंथ से क्या मतलब, यानी लेंथ ऑफ द वेव, एक वेव की लेंथ कितनी है बस उसे ही हम वेव लेंथ बोल देते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पीक्स ऑफ वेव्स। अब ये पीक से क्या मतलब है, देखिए ये अगर मैंने यहाँ पर एक वेव अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे ये एक वेव फॉर्म हो गई, ठीक। और ये कह रहा है दो सक्सेसिव, ये चीज़ है यहाँ पर, ये पीक हो गई, ठीक है, ये दूसरी पीक हो गई। तो दो सक्सेसिव पीक्स मतलब दो लगातार पीक्स जो आई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है हमारा वेव लेंथ, यानी एक वेव की लेंथ जो होगी वो लैम्डा हो गई। तो अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी वेव कितनी ऊंचाई तक, हाइट ऑफ द वेव, वेव कितना ऊंचा गई है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ये हो गया क्रेस्ट। और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पर टू सक्सेसिव पीक से मतलब दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, तो वो हो गई लैम्डा, उसी को हम वेव लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, जनरली हम इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसकी और भी यूनिट्स हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम हो गई, तो 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर हम 10⁻¹⁻10 मीटर लिख सकते हैं, या हम इसे नैनोमीटर में भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर होता है, या फिर हम इसे माइक्रोन में, तो 1 माइक्रोन = 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये सब जो है यूनिट्स हैं वेवलेंथ की। तो कहीं पर भी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन या सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब हम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स एनर्जी। तो वेवलेंथ जो होती है वो एनर्जी का ठीक उल्टा होती है। कैसे पता चला हमें, अभी हमने देखा E = हमने h nu लिखा था, ठीक। और h nu आप लोगों को पता होगा, न्यू क्या होता है, न्यू होता है c/λ। तो हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि E = h c/λ। तो ठीक है, लैम्डा यहाँ है और E यहाँ, तो E अगर ज़्यादा होगी यानी एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगी, एनर्जी अगर कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा होगी। जैसे आपने विजिबल लाइट पे पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, और ये सबको पता है कि रेड की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए इन सारी लाइट्स में मतलब विबग्योर में इन सारी लाइट्स में रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक। ये तो बात हुई वेवलेंथ के बारे में। अब दूसरी टर्म हम क्या यूज़ करते हैं जब हम EMR स्टडी करते हैं, दूसरी टर्म है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स विच पास अ स्टेशनरी पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक स्टेशनरी पॉइंट मतलब रुका हुआ एक पॉइंट जो मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। तो 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाली या पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, वो होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव गुजर जाएंगी बस वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली साइकिल्स पर सेकेंड है, पर नॉर्मली हम इसको हर्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइकिल्स पर सेकेंड बोल लीजिए या हर्ट्स बोल लीजिए। और न्यू और लैम्डा रिलेटेड बाय द इक्वेशन ν = c/λ। ये भी हमने देखा भी था, न्यू जितना ज़्यादा लैम्डा उतनी कम, और न्यू जितनी कम लैम्डा उतनी ज़्यादा। और देखो ये हो भी सकता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक वेव बना दी, खूब सारी वेव्स मैं यहाँ बना दे रही हूँ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ, और ये सारी वेव्स जो हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में सपोज़ ये पास हो जा रही हैं। 1 सेकेंड में सपोज़ ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और फिर ये फोर्थ, मैंने ये मान लिया कि इस पॉइंट से 1 सेकेंड में ये 4 वेव्स जो हैं पास हो रही हैं, ठीक है। ये थी, अब इसमें वेवलेंथ कितनी छोटी है, देखिए ये वाली यहाँ से यहाँ तक की तो वेवलेंथ होगी, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो और एक वेव मैं और बनाऊँ यहाँ पर, और मैं उसको बना दूँ ऐसे। तो अब इसी पॉइंट से, सपोज यही पॉइंट है यहाँ पर भी, तो अब इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो जाएंगी? तो यहाँ पर अगर एक वेव यहाँ है इतनी, और ये सपोज दूसरी वेव तो नहीं है पर हाफ वेव समझ लीजिए आपको, तो ये हाफ वेव, तो एक सेकंड में इसी पॉइंट से खाली 1.5 वेव पास हो रही है, और ये वाली जो वेव्स हैं वो 4 वेव्स पास हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर जो लैम्डा है वो हमारा काफ़ी बड़ा है, नीचे वाली वेव के कंपैरिजन में ऊपर वाली वेव का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यानी जब बड़ी वेवलेंथ है तो कम नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं खाली। जब बड़ी वेवलेंथ थी तो सिर्फ 1.5 ही वेव जो है पास हो पा रही थी, लेकिन जब छोटी वेवलेंथ थी तो ज़्यादा वेव्स पास हो पा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी हमने यही तो कि वही नंबर ऑफ वेव्स ही तो देखनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेव की लंबाई जितनी कम होगी एक सेकेंड में उतनी ज़्यादा वेव्स पास होंगी, और वेव की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी एक सेकेंड में उतनी कम वेव्स पास होंगी। तो यहाँ पर वेव की लंबाई कम थी तो इसीलिए तो एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स पास हो रही थी, और यहाँ पर वेव की लंबाई ज़्यादा थी इसीलिए एक सेकंड में कम वेव्स पास हो रही थी, और इसीलिए एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ν=c/λ था, और c हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया। ठीक, अब तीसरी टर्म हम क्या यूज़ कर लेंगे? वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू के ऊपर एक डैश खींच दिया तो न्यू बार बोलते हैं हम इसको। और ये क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स स्प्रेड इन अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स फैली हुई हैं, बस उसे हम वेव नंबर बोल दे रहे हैं। और इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ का ठीक उल्टा होता है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और क्योंकि लैम्डा को हम सेंटीमीटर में यहाँ पर मेज़र कर रहे थे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसीलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स आती है। और ये दोनों भी दूसरे के उल्टा कैसे हो सकते हैं, देखिए ये समझ लीजिए। इसी डायग्राम में हम समझ लेते हैं, सपोज़ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ये मान लेती हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, और हम ये कह रहे हैं कि इस 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स फैली हुई हैं, बस वही वेव नंबर है। तो आप देख रहे हैं इस 1 सेंटीमीटर में अगर हम ये छोटी वेवलेंथ वाली वेव लें तो वो 4 वेव्स आ गई, और अगर हम बड़ी वेवलेंथ वाली लें तो हमारे पास खाली 1.5 ही वेव आ गई, या इसको आप 2 वेव्स भी समझ लीजिए एक बार के लिए। तो छोटी वेवलेंथ जब होगी तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी जब वेवलेंथ हमारी कम हुई तो न्यू बार ज़्यादा हो गया, है ना, वेव का नंबर ही तो है ये। तो यहाँ पर 4 वेव्स आ गई हैं तो वेव का नंबर बढ़ गया, और जब वेवलेंथ हमारी ज़्यादा थी यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो जब वेवलेंथ हमारी ज़्यादा थी तो वेव नंबर हमारा कम हो गया ना, ये खाली 1.5 ही वेव बची। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ठीक उल्टा माने जाते हैं। तो ये वेव नंबर, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ, यही टर्म्स हम EMR में यूज़ करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि क्या वेवलेंथ, इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो सब क्या हैं। तो आज के लिए तो मैं इतना ही, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।